सीजुआ जोगता मोड़ सीजुआ में गुरुवार की रात गोविंद चौहान उर्फ बुंदा चौहान का भव्य स्वागत। गोविंद चौहान उर्फ बुंदा ने मीडिया को बताया कि हमें कुछ फोर्ड 20 लोग हमें झूठा केस में फंसा देते हैं, जबकि हम इन केसों में हमारा संलिप्तता ही नहीं है। हमें सरकारी काम में बाधा के क्रम में कुछ भ्रष्ट नेताओं ने हमें 553 के तहत फंसाया, जिसमें आज हमारा बेल हुआ है और हमारे सेवा भाव को देखते हुए आज सीजुआ के नागरिक हमारा भव्य स्वागत किए। मेरा प्रयास रहेगा जितने भी कार्य जोगता में हो रहे हैं उसमें गरीबों का शोषण ना हो। जोगता में मेरा प्रयास रहेगा किसी को हक को छीनने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। बताइए आज छूट क्या रहे आप जेल से? क्या आज कितने दिनों के बाद छूट के? 110 दिन के बाद यहाँ पर आए हैं। कौन से केस में गए थे? 353 सरकारी काम में बाधा देने का झूठा केस में हम पे यहाँ का लोग फंसा देते हैं बार बार, जो कि केस में हम सम्मिलित रहते हैं उसके बाद भी यहाँ का 420 आदमी लोग हमको केस में बार बार फंसाते हैं। झूठा आरोप में, क्या झूठा आरोप में आप गए? हाँ, झूठा आरोप। 110 दिन जेल में भी रहे? जेल में नहीं थे, बाहर से बाहर ही हम सब। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही है कि जो मेरा गरीब भाई लोग है, जो हमने बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि हम यहाँ पर आए, इन लोग का जो भी खामियाजा हम इन लोग के साथ में रह के दूर करते हैं, फिर से हम इन लोग का जो भी काम रहेगा वो दूर करेंगे। इन लोग का जो भी मदद पड़ता है हम इन लोग के लिए किए हैं और करेंगे। जनता द्वारा इतना भव्य स्वागत किया गया आपके आने के खुशी में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता उसी को देखता है, स्वागत करता है जो जनता के लिए काम करता है। हम इनके लिए काम किए होंगे तभी तो मेरे लिए इतना अच्छा स्वागत कर रही है, नहीं तो जनता अब आज के डेट में किसी को स्वागत नहीं करते। जो काम करेगा वही दिखेगा, ठीक है? यहाँ का फ्रॉड आदमी लोग जबरदस्ती यहाँ पर डंप करवा देते हैं और बोलते हैं हम कुछ करते ही नहीं। नेता यहाँ का सब नेता भ्रष्ट है, पॉकेट का राजनीति यहाँ का नेता लोग करते हैं, ठीक है? यदि उन लोग का बस चलेगा तो पूरा जोगता मोड़ कबाड़ के बेच देंगे। गोविंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? जिंदाबाद। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही है कि जो भी यहाँ का भ्रष्ट नेता लोग सुधर जाए, यहाँ का जो गरीब मजदूर शोषण हो रहा है वो सब शोषण ना हो, उन लोग का जेन्युइन हक मिले, जो यहाँ रहते हैं उन लोग को भी कुछ हक मिले। भ्रष्ट नेता मतलब खुल के बोले, भ्रष्ट नेता मतलब चोर चोहर। 110 दिन के बाद आप जोगता, अगला राजनीति यही है कि यदि जो भी जोगता में अनलीगल तरीका से कोई भी शोषण करे गरीब पर, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद।